नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अब और से हमारे संवाददाता सोनू सिया की खास रिपोर्ट के अनुसार सालासर में पिछले कोविड 19 को देखते हुए सालासर के कपाट बंद पड़े हैं। वहीं भक्तजन सालासर में पैदल जाते थे और रास्ते में हजारों संख्या में लंगर की व्यवस्था होती थी, लेकिन कोविड 19 को देखते हुए अब की बार सालासर में लंगर नहीं लगा। वहीं बलवाना हल्का के गांव रोहड़िया वाली में बालाजी सेवा समिति द्वारा खीर चने का लंगर लगाया गया। यह लंगर पिछले 3 दिनों से चल रहा है। जानकारी देते हुए बालाजी सेवा समिति के सेवादारों ने बताया कि उनका सालासर के विश्नापुर में पिछले 16 सालों से लंगर लगाया जाता है और पैदल जाने वाले यात्रियों की इस लंगर के माध्यम से सेवा की जाती है। मैं हरभजन गाँव रोड़िया वाले का निवासी और ये हमारे गाँव में जो लंगर लगाया गया है जो हर साल जो है पैदल सालासर पैदल यात्रियों के लिए बालाजी सेवा समिति हमारे गांव की तरफ से 16 साल हो गए लगातार लगा रही है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर के कपाट बंद है और यात्रा बंद है, बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसी वजह से ये लंगर जो है वो पिछले 3 दिनों से सेवा यहां पे चल रही है और ये बालाजी सेवा समिति की तरफ से जो है प्रावधान किया गया है। ये हलवा और चावल का लगा रहे हैं जी, हर साल लगता है बालाजी की कृपा से, लेकिन इस बार जो है नहीं हुआ यात्रा का। मैं सतपाल कामरा गांव रोड़िया वाली का वासी हूं। हम जो 16 साल से गांव बिसरासर में पहले लंगर लगाते थे पैदल यात्रियों के लिए, इस बार कोरोना की वजह से वहां पे कपाट बंद होने के कारण लंगर नहीं लगा सके, तो इस बार हमने सोचा कि भक्तों की साथ लेकर भी यहीं पे ही इस बार लंगर लगाएंगे। तो हम 3 दिनों से यहीं पर लंगर चालू रख रखा है, खीर जो भी है पूरी कहीं छोले या प्रसाद जो भी हलवे का प्रसाद है वो हम यहाँ पे ही बना कर चला रहे हैं।